Hey guys, welcome or welcome back to my channel Pooja's Adda. Hope you all are doing well. So मैं लेके आई हूँ एक नया vlog आप सबके लिए और इसमें मैं आपसे share करूंगी कि मैं मुझे ना एक सोफा नॉट सोफा रिक्लाइनर के लिए एक कवर सिलना है. तो आज मैं आपसे वो शेयर करूंगी कि मैं कैसे वो कवर सिलती हूँ. ऐसे मैंने कभी नहीं सिला, पता नहीं अपना कुछ मैं कुछ तो भी बुद्धि लगाऊंगी और सिलूंगी. एग्जैक्टली वो कवर नहीं होगा क्योंकि यार कवर क्या होता है, वो तो पूरा ही कवर होता है और वो तो डेफिनेटली मैं स्टिच नहीं कर सकती हूँ. बट वो काइंड ऑफ आप थ्रो बोल सकते हो. और ये आपको दिख रहे हैं, ये मतलब ये है रिक्लाइनर. और इसके लिए मुझे ये मैं फैब्रिक लेकर आई हूँ और इसके लिए मुझे ये एज अ कवर सिलना है. बिकॉज इसका जो मटेरियल है ना यार, ये फैब्रिक लगा हुआ है तो उसको मेंटेन करना बहुत टफ हो जाता है. और कोई भी आ रहे फिर आप तो इतना ध्यान नहीं रखेंगे कि किसी मतलब बैठ रहे हैं, कभी कोई आने से बच्चे खेल रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए मुझे एक कवर स्टिच करना है. फैब्रिक भी मैं ले आई हूँ बट मैं जब फैब्रिक ली तो ऑफकोर्स मैं थ्रेड लेना भूल गई. नीचे में ही आंटी की एक शॉप है और वो थोड़ा बहुत सामान ये सारे स्टिचिंग से रिलेटेड सामान रखती हैं. तो मैं अभी जाऊंगी नीचे और वो थ्रेड लेके आऊंगी एंड देन फिर जो बाकी की डिटेल्स है ना मैं वो आपसे शेयर करती हूँ और देखती हूँ कि मुझे वहां क्या मिलता है. वैसे मैंने सोचा तो है कुछ टेजल्स लगाऊंगी और इस टाइप का कुछ क्रिएटिविटी दिखाऊंगी. बट एग्जैक्टली अगर उनके पास मुझे वो मिल जाता है तो ये काम आज हो जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो अगेन फिर मुझे मार्केट जाना पड़ेगा और फिर वो मतलब ना डिले हो जाएगा. तो चलिए सबसे पहले मैं फटाफट से जाती हूँ क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत ज्यादा खराब और कभी भी बारिश हो जाएगी. तो मैं फटाफट से जाती हूँ और लेके आती हूँ एंड देन फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. तो फाइनली अब मैं आ गई हूँ और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वरना आज मेरा ये काम होगा नहीं. और मुझे मिला क्या, मुझे मिला है ये एंकर थ्रेड. और पता नहीं, मैं फिलहाल मैंने येलो लेके आई हूँ दो रील और व्हाइट लेके आई हूँ दो रील और स्टिच करने के लिए धागा. तो बस अभी देखती हूँ कि इसका पहले मैं जो रिक्लाइनर है इसका ले लेती हूँ मेजरमेंट और फिर उसके हिसाब से फिर मैं कटिंग करूंगी और स्टिचिंग स्टार्ट करूंगी. सो चलिए अभी फटाफट से पहले मेजरमेंट ले लेते हैं. मैंने अपना जो मेजरमेंट है वो तो मैंने लिख लिया है और ये मैं जो बैक रेस्ट है उसका, आर्म रेस्ट का और जो सिट है वो सबका अलग अलग पार्ट स्टिच करूंगी, एक साथ स्टिच नहीं करूंगी. ये अलग रहेगा और जो आर्म रेस्ट अलग रहेगा एंड सिट अलग रहेगा. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फैब्रिक कैसा है जो मैंने लाया है. ये कुछ इस तरीके का फैब्रिक है, ऐसा ना एश कलर का फैब्रिक है जिसमें ऐसे छोटे छोटे येलो डॉट्स हैं और बाकी जो फ्लावर व्हाइट कलर से ऐसा कुछ पैटर्न बना हुआ है. सो चलिए अभी मेरा मैंने मेजरमेंट भी ले लिया है और फटाफट से अब स्टिचिंग कटिंग स्टार्ट करते हैं एंड देन फिर स्टिच करते हैं.
कंप्लीट कर लिया है और ये, और अब मैं स्टार्ट करूंगी स्टिचिंग। इसे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो मैंने ये सारा कट किया है सब तरफ से, बस इसे मुझे इस तरीके से टर्न करना है और स्टिच कर लेना है। सो चलिए अभी फटाफट से करते हैं स्टिचिंग। चुका है और अब मैं इनके लिए ना टेजल्स बनाऊंगी और इनका जो कॉर्नर है यहाँ पे, इस कॉर्नर पे, ये जो ट्रायंगल कॉर्नर है इनके कॉर्नर्स पे मैं वो अटैच करूंगी। तो यहाँ पे मैं दो कलर के टेजल्स बनाऊंगी, एक तो है व्हाइट और दूसरा है येलो। व्हाइट ऑलरेडी इसमें, क्योंकि जो प्रिंट है वो व्हाइट से है, इसलिए मैं व्हाइट टेजल्स ऐड करूंगी। और येलो इसमें बहुत हल्का हल्का सा ना बीच बीच में येलो प्रिंट है, तो और ये जिस तरीके का ये थोड़ा डल कलर है, लाइक एश कलर है, तो इसलिए मैंने ये येलो और ये व्हाइट से मैं टेजल्स बनाऊंगी। और चलिए बाकी स्टिचिंग तो मेरी हो चुकी है कंप्लीट, बस टेजल्स बना के मुझे इनके कॉर्नर्स पे अटैच करना है एंड देन जो मेरा सोफा का कवर है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ये डायरी ली है और इस पे बस मैं इस तरीके से थ्रेड को लपेटना स्टार्ट करूंगी। जितना घना आपको चाहिए आप उतना अपने हिसाब से उसमें थ्रेड को आप लपेटते जाइए। तो मैंने अब थ्रेड को लपेट लिया है और इसे बस बीच में मैं एक सेम येलो थ्रेड से नॉट बांध दूंगी। तीन चार नॉट बांध दीजिए ताकि ना नॉट इजी खुले ना, और मुझे ये थोड़ा जो टेबल का साइज है वो थोड़ा लंबा चाहिए, तो मैं दो नॉट सामने बांधूंगी और दो नॉट पीछे बांधूंगी। मैंने यहाँ पे दो नॉट बैक साइड में बांधा है और दो नॉट सामने बांध के मैंने इसके मेरे चार टेजल्स रेडी होंगे। सो कहीं भी एक जगह से मैं इसे कट करके अलग कर लूंगी। तो ये इस तरीके से बीच बीच में नॉट्स होके रेडी हो गए हैं। सबसे पहला जो साइज है मैंने ऑलरेडी टेजल्स बनाया है, तो मैं उसके साइज के हिसाब से जो साइज है वो मेजर कर लूंगी। आप अपने हिसाब से ये जो साइज को एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपने नॉट बांधा हुआ है, अगर वो छोटा बड़ा हो रहा है तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ टेजल्स बनाए हैं और उनका साइज के हिसाब से और अच्छे से 10 से 12 बार इसे लपेट दूंगी।
उसमें भी आप 3-4 नॉट बांध के अच्छी तरीके से सिक्योर कर लीजिए ताकि वो फिर नॉट खुले ना। और ये मैंने बांध के रेडी कर लिया है और बस इसको अब मैं इसके इक्वल में जो दूसरा पार्ट है उसे भी काट लूंगी। हल्का हल्का सा आप ऊपर ऊपर से ट्रिम कर दीजिए ताकि जो छोटा बड़ा है वो सब इवन हो जाए। और ये देखिए ये मेरे टेजल्स हो गए और बाकी इसी तरीके से मैं इनके भी टेजल्स रेडी कर लूंगी। अब मेरे सारे टेजल्स रेडी हो गए हैं और एक बार में मेरे 4 टेजल्स मैंने बनाए हैं और पहले से भी मैंने बना के रखे हुए थे, कुछ टेजल्स पहले मैंने बना लिए थे। तो ये मेरे येलो टेजल्स रेडी हैं और अब मैं ये जो व्हाइट है इससे भी कुछ टेजल्स बना लूंगी और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसे अपना जो कवर है उसके कॉर्नर पे किस तरीके से अटैच करूंगी। गाइज कैसे हो आप सब। कल का जो व्लॉग है वो मैंने एंड नहीं किया था, मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मैं जो रिक्लाइनर का कवर जो सिल रही थी मैंने बहुत ट्राई किया था कि उसे मैं कल कंप्लीट कर लूँ बट वो नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने वो व्लॉग कल का एंड नहीं किया और मैं बिजी भी हो गई थी तो इसलिए आज मैं उसे कंटिन्यू कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो स्टिचिंग का काम था वो तो मैंने मतलब कर ही लिया था, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन उसके बाद टेजल्स बनाने में और जो कॉर्नर्स हैं कवर के उसपे ब्लैंकेट स्टिच करने में उसमें बहुत टाइम लग गया। एंड देन मैं जो आई गेस मैंने स्टार्ट किया था कुछ 1:00 आफ्टरनून पे, लेकिन उसके बाद मैं पूरा दिन लगी रही कि मुझे वो कंप्लीट करना था बट वो नहीं हो पाया। एंड देन 8:30 बजे चंदन आ गए, फिर मैं किचन में चली गई लाइक डिनर वगैरह प्रिपेयर करने के लिए, तो उसके बाद मैं बिजी हो गई तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आज मैं उसे कंटिन्यू करूंगी और कंप्लीट करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा रेडी हुआ है। और बस हाँ, तो अभी मैं जा रही हूँ उसे कंप्लीट करने के लिए, वैसे ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है तो उसे मैं अभी कंप्लीट कर लूंगी एंड देन फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरा वो जो कंप्लीट होने के बाद फाइनल लुक उसका कैसा आया है। का कवर है वो हो चुका है कंप्लीट और मैं आपको दिखाती हूँ कि कंप्लीट होने के बाद वो कैसा दिख रहा है। मैंने ये जो कवर है 4 पार्ट पे बनाया है, बैकरेस्ट, सीट और 2 आर्मरेस्ट का। तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ।
ये जो है ये वाला है बैकरेस्ट के लिए, जिसमें मैंने ये साइड पे इस तरीके से इसमें ब्लैंकेट स्टिच किया है, वो सब में ही मैंने कॉर्नर कॉर्नर्स पे ब्लैंकेट स्टिच किए हैं और नीचे इस तरीके से व्हाइट एंड येलो कॉम्बिनेशन का टेजल्स लगाया है। तो इसमें क्योंकि येलो प्रिंट है तो वो येलो की वजह से ये जो है ना बहुत पॉप होके दिख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। और ये है मेरे बैकरेस्ट के लिए, ये और ये जो दो पीस है ये है मेरे हैंड रेस्ट के लिए, और ये जो लास्ट है ये है सीट के लिए। सो ये चौड़ा मैंने इसलिए चौड़ा रखा है कि ताकि ना वो टकिन हो जाए, जिससे वो अपना जो एक ही जगह पे फिक्स हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा इधर उधर मूव नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसे थोड़ा चौड़ा रखा है ताकि मैं टकिन कर लूं। तो ये था जो मेरा रिक्लाइनर का कवर मैंने बनाया है। कुछ फैब्रिक, एक मिनट, ये कुछ फैब्रिक्स बच गए हैं, इसका मैं देखती हूँ कि मैं क्या यूटिलाइज करूंगी। मे बी जो मेरा डाइनिंग टेबल है उसका चेयर है, उसका जो सीट है वो भी उस लाइक ऊपर से फैब्रिक दिया हुआ है, तो शायद मैं इसके लिए वो सीट के लिए कवर्स बना लूं ताकि वो उसका जो फैब्रिक है वो भी ना मेंटेन करना इजी हो जाए। तो यार ये है, और अब चलिए मैं इसे, और हाँ मेरे पास ना ये ऐसा येलो कलर का वूल था जिससे मैंने ऐसे इसमें ऐसा ब्लैंकेट स्टिच किया है, और ट्रस्ट मी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। मतलब एश और व्हाइट का ये जो प्रिंट है और इसमें बीच बीच में येलो दिए हैं, सो आप देखो ये इस ऐसे स्टिच कर लेने से ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। सो चलो अब मैं आपको इसको अपने रिक्लाइनर पे पूरा सेट करके फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये रिक्लाइनर पे लगने के बाद कैसा दिख रहा है। ये देखो अब मैंने पूरा कवर लगा दिया है और मुझे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। सो गाइज ये ब्लॉग अब मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो मैंने घर पे बनाया है रिक्लाइनर का कवर, ये आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग को लाइक आप लोग के लिए यूजफुल था या नहीं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है सो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको मेरे न्यू वीडियो अपडेट्स मिलते रहे। सो यार ये ब्लॉग अब मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, और प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जो कवर मैंने बनाया है कैसा लगा है। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय।